क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द असाइनमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या हो गए? परचेज अकाउंट एंड श्याम, हमने सामान खरीदा है। एक्सपेंस श्याम, हमने सामान खरीदा है तो हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर होंगे, क्रेडिट पे सामान खरीदा है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। परचेजेस डेबिटेड, श्याम क्रेडिटेड। कोई भी डाउट सर? हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है ना। ई नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे, एरो अपवर्ड्स नहीं लिखाएंगे, इंक्रीज लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, हमने सामान बेचा। किसको बेचा? महेश को बेचा। महेश डेबिट आइटम है, पहले महेश आएगा। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू। ये हमारा डेटर है। एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड। बोरोड फ्रॉम रोहन, क्या बोरो किया? उसकी मोटरसाइकिल। क्या बोरो करा? इम्प्लाइड है कैश, कैश बोरोड फ्रॉम रोहन। सर कुछ भी हो सकता है, तो कुछ मेंशन नहीं है तो पैसे ही लिए होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। किससे बोरो करें? रोहन, तो रोहन का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? लोन फ्रॉम रोहन, ये ध्यान रखना। रोहन डेटर क्रेडिटर अगर होता तो रोहन आता। लोन बोरो कर रहे हो किसी से या लोन दे रहे हो तो लोन वर्ड जरूर आएगा। लोन बोरो कर रहे हो तो लोन फ्रॉम डैश, लोन दे रहे हो तो लोन टू डैश। लोन टू डैश आपके लिए एसेट होता है, लोन बोरोड लाइबिलिटी। पैसे आए, इंक्रीज इन एसेट, लोन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मुबारक हो, स्लाइड आ गई। कोई भी डाउट? क्लियर? चलो, रिसीव कैश फ्रॉम महेश, कैश महेश। अरे सुनने पे ध्यान दो ना, क्या करा हमने? क्या करा? रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या हो गए? कैश और महेश। कैश एसेट है, महेश कौन है? महेश हमारे डेटर्स से, महेश भी एसेट है। बट पैसे आए तो कैश बैलेंस बढ़ गया, डेटर्स का बैलेंस कम हो गया। यस और नो, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? तो सुनने पे ध्यान देंगे, उसको साइड में रखेंगे। जो जो डिस्कस हो रहा है वो तो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। यू डोंट नीड टू सी द असाइनमेंट, जस्ट फोकस। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक होता तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या है हमारे लिए? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। बैंक डेबिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। कोई डाउट? पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब आपने एक ही तो लोन बोरो किया है, ये जो बोरो फ्रॉम रोहन है यही आपका लोन है। पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, तो ये रीपेमेंट ऑफ लोन है। क्या है ये? रीपेमेंट ऑफ लोन। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं होता लोन के बारे में तो यहाँ क्या होता? लोन और कैश, क्योंकि बैंक तो है नहीं कहीं। लेकिन यहाँ स्पेसिफाइड है कि ऊपर आप एक लोन बोरो करे बैठे हो, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। जो बोरोड फ्रॉम लोन है और रोहन है, ये है क्या आपका? लोन फ्रॉम रोहन ही है ये। तो अगर रीपेमेंट हो रही है तो वो इम्प्लाइड है कि उसी की मानी जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पेमेंट किसकी हो रही है? लोन फ्रॉम रोहन, और इंसान है, और कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि चेक से दिए तो कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है। जब हमने लोन बोरो किया था तो भी तो कैश में दिखाया है। जब आप इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं तो कैश उन्होंने नहीं बताया अगर, तो कैश ही रहेगा। वो बैंक से डील कर रहे हैं तो इम्प्लाइड है कि बैंक रहेगा। लोन रीपे करा है, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। पैसे दिए, कैश भी कम हो जाएगा। लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिटेड, एसेट डिक्रीज क्रेडिटेड। कोई भी डाउट? समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर 8।